टोटल मेरे पास है डायमंड 3900 और 3900 में जो हमारा फेडरेट व्हील के अंदर ईवो M1014 आया उसको निकालने तो वाला ही हूँ, लेकिन साथ में लेवल 4 का भी करने वाला हूँ, क्योंकि लेवल 4 का करेंगे तब जाके हम लोगों को जो एटीट्यूड चाहिए वो मिलेंगे, यानी कि अपग्रेड कर सकते हैं और इसको चेंज भी यानी कि कस्टम भी कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं, तो हमें लेवल 4 पे जाना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में क्या 3900 डायमंड में हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो चलिए करते स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इसको निकालते, तो इसके लिए गाइस हम लोगों को दो रिवॉर्ड यहाँ से रिमूव करना है, दोनों ही गन क्रिएट रिमूव कर देते और कंफर्म कर देते। कंफर्म करने के बाद पहली स्पिन आएगी वो आएगी 9 डायमंड की, क्या बात है 9 डायमंड में मिल जाएगा तो मजे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, तो आज भी नहीं होगा। फिर आएगा 19 डायमंड का, तो 3900 से स्टार्ट किया पहले, तो फेडरेट व्हील में कितने डायमंड जाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। 69 पे नहीं मिला, 69 पे नहीं मिला, 99 पे अब करेंगे, तो 99 पे भी नहीं मिला, 149 तो 149 पे भी नहीं मिला, अब आया 199 का, ओके, और लास्ट आएगा 499 का, ओके, तो ये आया 499 का, यानी कि इसमें कितने डायमंड जाएंगे गाइस आपके, ओ इसमें भी अच्छे खासे डायमंड आपसे लूटे जाएंगे। पहले तो इसको निकाल देते, चलो इसको निकाल दिया, तो ये मुझे कितने में पड़ा, मेरे डायमंड बचे 2800, यानी कि 1000 अराउंड डायमंड आपके पड़ेंगे इसको फेडरेट व्हील से निकालने में। चलो फेडरेट व्हील से हम लोगों ने निकाल तो दिया, अब बारी है लेवल 4 का करने की, तो लेवल 4 का करने में भाई साहब देखते कितने लेवल हमारे जाते हैं यहाँ से डायमंड। तो यहाँ लेवल 2 का तो हमारा सीधा आ जाएगा, 30 टोकन चाहिए, ओके, तो सीधा थोड़े हमारे डायमंड बाई कर लेते, उससे पहले कुछ क्रिएट पड़े हैं मेरे पास वो ओपन कर लेते, इससे 7 टोकन है मेरे पास, तो 7 ओपन कर लेते और यहाँ यूनिवर्सल टोकन कर दिए, ओके यूनिवर्सल टोकन बना दिए, यूनिवर्सल तो काउंट हो ही नहीं रहा है, देख लो गाइस यूनिवर्सल मेरे पास पड़े हैं, दूसरे में गन क्रिएट में आपको दिखा देता हूँ, कोई भी यूनिवर्सल काउंट हो रहा है लेकिन उसमें नहीं हो रहा है, तो ये भी लेवल 4 का है गाइस, देख लो मेरा M1014 भाई साहब, तो कितने डायमंड देने पड़ेंगे, तो 2000 का ले लेता हूँ, ठीक है सीधा, तो सीधा ही बाय करना पड़ेगा, क्रिएट से लू या सेलू क्रिएट से लेता हूँ, चलो गाइस तो यहाँ से 10 करते तो 700 डायमंड का हमें क्यों मिलेगा, तो 50 क्रिएट ले लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, ओके तो 50 क्रिएट ले लिए, इसको ओपन करते, तो क्या इससे हमारा मैक्स हो जाएगा, मैक्स तो नहीं होगा लेकिन लेवल 4 का तो होगा, तो मुझे 243 टोकन मिले हो, 243 टोकन मिले हैं मुझे, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तो 2000 ये 3000 टोटल मैंने डायमंड वेस्ट किए हैं, तो 3000 डायमंड में मेरा कितने लेवल का होता है मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ, तो लेवल 2 का कर देते, सिर्फ 30 टोकन लगेंगे लेवल 2 के लिए, तो ये हो चुका लेवल 2 का, स्पेशल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, ओके देख लो गाइस, रेट ऑफ फायर, आर्मर पेनेट्रेशन और मूवमेंट स्पीड दोनों कुछ खास नहीं दिया, लेकिन लेवल 3 के लिए हमें 60 और चाहिए, तो मैंने गाइस 50 क्रेट लिए 2000 के, तो लेवल 3 का भी हो गया, अब आया लेवल 4 का, ये मैं खुद के डाल रहा हूँ, गरीना ने नहीं दिए मुझे, पहले बता रहा हूँ गाइस, कुछ बंदों को मैक्स दिया लेकिन वो पार्टनर प्रोग्राम वालों को दिया है, मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, ओके तो इसका ध्यान रखना है, तो मैं खुद के डायमंड डाल रहा हूँ, इसीलिए लेवल 4 का ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेवल 4 का ही बोला था स्टार्टिंग में और अभी भी लेवल 4 का ही करेंगे, ओके तो लेवल 4 का हो चुका है, तो लेवल 5 के लिए मेरे पास इतने ज़्यादा डायमंड तो नहीं है यार, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी गाइस पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 5, 6, 7, 8 आपको नहीं दिखा पाया उसके लिए सॉरी। तो लेवल 4 की बात करें तो अपग्रेड एटीट्यूड्स हो चुका है इसके अंदर, आप लोग देख लो गाइस, ये मैं आपको समझाना चाहता था। सबसे पहले आप लोग यहाँ जो पुराना M1014 यानी कि ग्रीन फ्लेम ड्रेको है, उसके भी आप लोगों को अगर एटीट्यूड्स करने हैं तो सिंपल यहाँ क्लिक करके आप कर सकते हो, जिसके अंदर डैमेज सिंगल मिलेगा, रेट ऑफ फायर डबल मिलेगा, रिलोड स्पीड माइनस देखने को मिलेगी। वही गाइस जो नया हमारा स्कॉर्पियो शॉटर है 2.0, उसके अंदर आपको डबल रेट ऑफ फायर मिलेगा, आर्मर पेनेट्रेशन प्लस मिलेगा, मूवमेंट स्पीड माइनस मिलेगा। तो ये आर्मर पेनेट्रेशन क्या है, तो इसका मतलब होता है जो वेस्ट हेलमेट होता है उसके ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, तो आपको ये चेंज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा न्यू ईवो गन के अंदर, ये पहला होगा जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब पहला ईवो गन है जिसके अंदर आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते ना। अच्छा यहाँ भी एबिलिटी को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, भाई साहब क्या बात है, कुछ अलग ही गरीना ने दे दिया है। तो ये देख लो ओरिजिनल का कुछ ऐसा वॉइस है, और स्पेशल ये देखो गाइस क्या है मस्त, ये पुराना वाला और ये नया, क्या मस्त है भाई। हमारा शॉर्ट गन के अंदर कहाँ गया शॉर्ट गन, ये रहा, ओके तो ये रहा देखो लेवल 4 का। तो इसके अंदर आप लोगों को एटीट्यूड्स मिलेंगे डबल रेट ऑफ फायर, आर्मर पेनेट्रेशन प्लस और मूवमेंट स्पीड माइनस देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपके डायमंड कितने जाएंगे, तो डायमंड एकदम सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों को 1000 डायमंड निकालने में जाएंगे और वही 2000 डायमंड आपके अपग्रेड करने में जाएंगे। अगर क्रिएट लेके 700 डायमंड का आप लोग डिस्काउंट मारोगे तो 1300 डायमंड लगे, तो टोटली मेरे 2300 डायमंड गए, 2300 डायमंड में मुझे लेवल 4 का मिल गया जिसको मैं चला सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको चला रहा था, इससे पहले इसको चला रहा था,
तब इसको चलाऊंगा, तो कोई खास फायदा नहीं हुआ है। तो आप लोग बताओगे तो दोनों का कंपैरिजन का एक वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करना के राज पे लेके आ जाओ, मजे आ जाएंगे ग्रीन फ्लेम का और साथ में ये नया आया स्कॉर्पियो शटल का। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।